हेलो दोस्तों, मेरे इस प्यारे से क्यूट से स्वीट से ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप लोग अपना प्यारा सपोर्ट देना इस ब्लॉग को। मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो गई हूँ, बहुत खुश हूँ क्योंकि बाहर जाने का मौका मिल रहा है। अब मैंने घर को लॉक कर दिया है क्योंकि बाहर भाई लोग तो है नहीं, बाहर चले गए हैं। मैंने रिक्शा किया हुआ है क्योंकि आज का मौसम बहुत अच्छा है, धूप नहीं है, मतलब धूप नहीं है, थोड़ा सा बारिश वाला मौसम है, तो बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। मैं इधर उधर व्यू देखते देखते चल रही हूँ। जब ये फूल आता है ना, सच बताऊँ ना, मुझे इस फूल के नीचे जाके शॉर्ट बनाने का मन करता है, बट मैं बना नहीं सकती क्योंकि ना तो भाई है ना तो बहन है, मैं अकेले थी, इसलिए मैं बस देखते हुए अपने मन को मारते हुए चली जा रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ ऑफिस आई, भाई का कुछ पेपर जमा करना था, उस पेपर को मैंने जमा किया, मगर बहुत भीड़ थी, सच बताऊँ मुझे नींद आने लगी थी बैठे बैठे। इसके बाद फिर से मैं घर वापसी के लिए चली आई रिक्शा करके। इसके बाद मैंने कान्हा जी के लिए भोग के लिए थोड़ा केला और लिया, सोचा कि थोड़ा सा प्रसाद भी ले लेती, तो लड्डू वाला प्रसाद मैंने लिया। फिर इसके बाद मैंने ये कुरकुरे का पैकेट का जो कॉर्न वाला आया वो लिया। फिर घर आकर मैं नहा धो के इसको खाया, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसका स्वाद। जब मैंने खाना खाया दोपहर को ना, सच बताओ मुझे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। सच बात है, घर का खाने की बात ही अलग होती है, कोई इसका बराबरी नहीं होता। इसके बाद मुझे ये सॉन्ग याद आ गया, मेरी राह तेरी तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। तो सब ब्लॉग में प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, इससे हिम्मत मिलती है आगे अच्छा काम करने के लिए।